हाय, दिस इज अविनाश फ्रॉम जुपिटर एस्ट्रोनॉमी क्लब एंड ऑब्जर्वेटरी। आज हम लोग एक सुपरनोवा रेमिनेंट शूटिंग करेंगे जिसका नाम है एक्शन भेल नेबुला। उसके अंदर का एक पार्ट जो कि बैट नेबुला के नाम में जाना जाता है, वो एक यहाँ से 1470 लाइट ईयर दूर है वो नेबुला। उसका नाम है NGC 6995 ईस्टर्न भेल नेबुला का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं बैट नेबुला। एक सुपरनोवा रेमिनेंट है, बहुत सुंदर ऑब्जेक्ट है। मैं आपको आज लाइव करके दिखाऊंगा। पहले भी मैंने किया था, टोटल ईस्टर्न भेल नेबुला को किया था मैंने, जो कि लास्ट ईयर शायद वो मैंने 6 न्यूटोनियन से किया था। आज मैं RC डालूंगा और एक्सट्रीम फिल्टर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस के लिए एक्सट्रीम फिल्टर और 533 Astcampan 533 कैमरा शूटिंग करूंगा, कैमरे का यूज़ करूंगा। और आज विशाल CM70 एंड 8 RC यूज करके मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा, पास सिग्नल एक्सपोजर लेके उसके बाद स्टैकिंग करूंगा, फिर फाइनली मैं आपको वीडियो के एंड में आपको डाल दूंगा। कैसे लगा आपको बताइएगा। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं ऑब्जर्वेटरी के पास, देखते हैं। मैंने जैसे आपको बोला था आज मैं बैट नेबुला शूट करने वाला हूँ, तो अभी स्काई एकदम बहुत बढ़िया है। मैं अभी सब कुछ रेडी कर चुका हूँ। अभी सन भी धीरे धीरे सेट हो रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हो सन धीरे धीरे यहाँ पे सेट हो रहा है। और ये रहे मेरे इक्विपमेंट, सब रेडी है। मैं बैठने वाला के लिए RC, मैंने RC इलेक्ट्रिक प्लेटर और 8 का न्यूटोनियन, सॉरी 8 का RC। एज यूजुअल मैं CM70 माउंट, Astcampan 533 कैमरा, सब मेरा रेडी है। स्काई भी आप देखो कितना ज़बरदस्त है, पूरा ब्लू स्काई एकदम है आज। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव बैट नेबुला सिंगल एक्सपोजर लेके। तो चलिए मैं आपको, थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगा सिंगल एक्सपोजर लेके SIR से। तो इस नेबुला के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो फिर मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक सिंगल एक्सपोजर लेके कैसे दिखता है आपको। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप देखिए, अभी मैं अभी SIR स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये मेरा टेलीस्कोप यहाँ पे रेडी है। अभी मैं आपको स्लीव करके दिखाऊंगा जो हम लोग आज वैट नेबुला करने वाले हैं, NGC 6995 ईस्टर्न भेल नेबुला के अंदर में है वो नेबुला है, बैट नेबुला। चलिए हम लोग NGC 6995 जो है कि हम लोग इसको स्लीव करेंगे। ये देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये हम लोग अभी स्लू करेंगे इसको। अभी देखिए, ये अभी स्लू हो रहा है, अपना टेलीस्कोप प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी वो टारगेट एकदम, अभी मेरे लैटिट्यूड के हिसाब से एकदम वो अभी जेनिथ में, एकदम अब सेंटर में है वो, मेरे लैटिट्यूड के हिसाब से पूरा सेंटर में, पूरा जेनिथ में ही है। आप देख सकते हैं टेलीस्कोप पूरा जेनिथ को वो फेस कर रहा है अभी। अभी वो टारगेट को सेंटर करेगा, प्लेट सॉल्विंग ऑटोमेटिक करेगा। वैलिड सेंटरिंग ऑटो अटेम्प्टिंग, मैं बोला था एक पार्ट है वो, इसलिए हम भेल लेवल नहीं कर रहे। पहले हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अभी दिखाता हूँ वो जो एक्यूरेट हमारा भेल नेबुला पार्ट है हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। मैं दिखाता हूँ अभी, पहले गाइडिंग शुरू कर लेते हैं हम लोग। नहीं, पहले मैं क्या करूँगा, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू को लाता हूँ जो हमको चाहिए, जो बैट नेबुला का पार्ट है हमारे फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से उसको मैं पहले लाता हूँ। देखिए ये रहा वो पार्ट। ओके, पहले मैं सिंक, फिर गो टू। अभी जो पार्ट मुझे चाहिए इतना ही चाहिए, आप देख रहे हो इतना फील्ड ऑफ व्यू चाहिए मुझको। ये बैट नेबुला हम इसको बोलते हैं, ये भेल नेबुला के अंदर में है। सो ये इतना ही पार्ट को हम लोग अभी उठाएंगे। मैं सिंगल एक्सपोजर लेके आपको अभी दिखाऊंगा अभी कितने दिखता है। चलिए पहले ये अभी सेंटर करेगा, उसके बाद मैं गाइडिंग स्टार्ट करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। टारगेट ऑलरेडी सेंटर हो चुका है अभी, ऑलरेडी सेंटरिंग एंड अभी मैं इसको गाइडिंग चालू कर देता हूं।
गाइडिंग भी शुरू हो गया है, गाइडिंग भी चालू हो जाएगा अभी। देख रहे ये आरए डेक का लाइन शुरू हो चुका है। तो हम लोग अभी एक 300 सेकंड का एक्सपोजर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आता है एक सिंगल एक्सपोजर में। चलिए अभी मैं इसको एक्सपोजर टाइम इसको मैं 300 सेकंड कर लेता हूँ। बिन वन करेक्ट है, चलिए मैं अभी क्लिक करता हूँ। देखिए ये 300 सेकंड का एक्सपोजर शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको पॉज करता हूँ वीडियो, अभी लास्ट को 30 सेकंड बचा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा एक्सपोजर आपको कैसे आता है। चलिए मैं अभी पॉज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो अभी जस्ट 22 सेकंड बचा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे ये बेल नेबुला लाइव हमको कैसे दिख रहा है। 14 सेकंड अभी बचा हुआ है। अब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको बनाऊँगा, हिंदी के ऊपर आपको वीडियो बनाता हूँ। अभी 5, 4, 3, 2, 1 ये लोड हो रहा है। 300 सेकंड का एक्सपोजर आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर जबरदस्त दिख रहा है, गाइडिंग भी बहुत जबरदस्त चल रहा है हम लोग का, स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो। अब थोड़ा आपको देखिए, आपको ये लाइन दिख रहा है आपको पूरा, ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एकदम पूरा भेल नेबुला का स्ट्रक्चर एक ही एक्सपोजर में। वाह, एक ही एक्सपोजर में आपको ये दिख रहा है। अभी सिंगल ओनली 5 मिनट का एक्सपोजर था ये रेड एंड HO। अभी मैं करूँगा इसको, आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा और भी आपको लाइट करके दिखाता हूँ, आपको ये दिख रहा है एकदम लाइन, देखिए बस सिंगल एक्सपोजर में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं कुछ इमेज लूँगा अभी, उसके बाद टैग करूँगा, उसके बाद फाइनल इमेज आपको दिखाऊँगा। वीडियो के एंड में आपको देखना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मैं आपसे ज़्यादा नया नया वीडियो बनाऊँगा। आपको कोई भी टेलीस्कोप चाहिए या फिर कुछ पुराना टेलीस्कोप चाहिए, कोई नया कुछ भी आपको टेलीस्कोप रिलेटेड चाहिए या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी आपको सीखना है, तब आप मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए चलिए, बाय टू ऑल। चलिए।